बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर सोच ने कर दिया है आपको हैरान। नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज पर। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू वीकेबी माय डॉक्टर एंड आई एम मीनाक्षी योर होस्ट फॉर द शो। आज हमारे साथ वीकेबी माय डॉक्टर में है नेचुरोपैथिक डॉक्टर कीर्तिदा अजमेरा। डॉक्टर कीर्तिदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम के बारे में बताना चाहूंगी दैट शी इज अ वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल कमेटी, एमएसएमई की कोऑर्डिनेटर हैं। काफ़ी प्रेस्टीजियस अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट है नागपुर की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, संस्थाएं हैं जिनके साथ ये काम करती रही हैं। 20 सालों से नेचुरोपैथी में अपनी सेवा भी दे रही हैं। डॉक्टर अजमेरा, नेचुरोपैथी ये जो टर्म है ये एक्चुअली है क्या? नेचुरोपैथी में इसका शब्द या भावार्थ छुपा हुआ है। नेचुरोपैथी यानी नेचर, जो नेचर से रिलेटेड है जी। अब कई बार क्या होता है कि नेचर को जानता है कि कैसे ठीक करना जी। पहले के ज़माने में कहाँ डॉक्टर्स थे, कहाँ हॉस्पिटल्स थे, कहाँ गायनेकोलॉजिस्ट थे, पर सब चीज़ें अच्छे से चलती थी जी। तो नेचर के साथ में चलना और नेचर को फॉलो करना, दैट इज़ ए नेचुरोपैथी। ओके, क्योंकि ये आपने सही कहा कि पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में बहुत डिफरेंस है। पहले सिनारियों में इतनी समस्याओं के नाम तक नहीं सुने थे, आज तो एक नई नई बीमारी का नाम सुनने में आता है, और एक ऐसा काल अब आ गया ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे हमेशा हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि तुम्हें आजकल बड़ी तकलीफ है, हमें तो कुछ नहीं हुआ करता था, आजकल नई नई समस्याएँ, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? समस्या तो बहुत, देखो ये एक प्रणाली है, हमारी लाइफस्टाइल है, जिस हिसाब से हम लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जैसी हमारी शैली जीने की है, उस हिसाब से हम अलग अलग डिसीज को वेलकम कर रहे हैं। और पहले की प्रणाली आएगी नहीं, भले हम लोग जिम में जा रहे हैं, जिम में जाके मस्त वर्कआउट भी कर रहे हैं और पूरे हाथ की एक्सरसाइज, पैर की एक्सरसाइज, पर घर में पोछा नहीं मारेंगे, घर में झाड़ू नहीं लगाएंगे, ये सब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में ही जिम के रूप में हम कर सकते हैं, पर हम लोग अवॉइड करते क्योंकि हम मानते कि हमारी लाइफस्टाइल ये नहीं है जी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हम लोग मान सकते हैं। तो हमारा यानी ये हमें से इच्छा रही कि नेचर की तरफ मुड़ो जी, चलो फिर से चले नेचर की तरफ। गांधी जी की एक बुक है रिटर्न टू नेचर, तो इसे नेचुरोपैथी में हम लोग इन्हें एक अलग तरीके से डिस्क्राइब करें तो 5 एलिमेंट को यूज करना। ओके, जैसे हमारा हाथ है तो यहाँ से हम चालू करते, तो ये अंगूठा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा एकदम अपना वो दिखाता है, तो इसे हम सूर्य बोलते हैं। अच्छा, तो पानी, मिट्टी, धूप, हवा और आकाश, ये हम पांचों इसमें थंब में हमारे हमारे पांचों हथेली में है, और ये पांचों एलिमेंट्स का प्रयोग करना, उसे तरीके से काम में लाना, दैट इज अ नेचुरोपैथी। आज बोलते हैं कि भाई विटामिन डी 60,000 यूनिट आपको लेना है, चाहे वो 2.5 साल का बच्चा से लेके 60 साल की एजेड लेडी में विटामिन डी नहीं है, पर आप सूर्य का दर्शन करते कहाँ हो, सूर्य की कहाँ ऊर्जा लेते हो, तो हमारा तो पूरा विटामिन डी तो फ्री में सूर्य दे रहा है। तो हमें ये एक हमारी लाइफस्टाइल ही नहीं है कि हम लोग जाकर सूर्य में बैठे, तो आज तो बच्चों को भी जबरदस्ती हमको टेरेस पे भेजना पड़ता है कि नहीं 5 मिनट वहाँ बैठो, सूर्य की रोशनी लो, तो विटामिन डी वैसे ही फ्री में मिलता है। और एक उसका बहुत अच्छा फंडा है कि शरीर पे चिकनाई लगा दो, चाहे वो तिली का तेल हो चाहे मॉइस्चराइजर हो, और फिर धूप में बैठ जाओ, तो हमारी स्किन के नीचे जो फैट्स है ना, यानी वो भी कई बार बनना अच्छे से चालू हो जाता है, और वो फैट्स एब्जॉर्ब करते हैं विटामिन डी को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नेचर की रहती है जो हम लोग रिटर्न टू नेचर के माध्यम से सिखाते हैं।
इसीलिए हमेशा दादी नानी जब बच्चे की डिलीवरी होती है, उनकी मालिश होती है, तो उसे धूप में लेके जाया जाता है, उन्हें बिठाया जाता है, ये उसके पीछे का बहुत ही अच्छा इलाज है कि चिकना ही लगाओ, मालिश करो और धूप में बैठो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हड्डियों की बीमारी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम, विटामिन डी नहीं रहेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब कैसे होगा। तो ये एक हम लोग इस मतलब, लेकिन ये जो टर्म है नेचुरोपैथी, कहीं ना कहीं इसे ओरिजिन, इसका काम जो शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ? ऐसा देखा जाए ना तो प्राकृतिक चिकित्सा 4000 साल पुरानी है, पर अंग्रेज लोग हमारी पूरी चिकित्सा पद्धति को लेके चले गए और हम लोग ने वहाँ से फिर भारत में लाए। तो जनरली कई बार क्या होता है कि वहाँ से आई हुई थ्योरी हम लोग ज़्यादा अपनाते, पर अभी ऐसा नहीं है। ये पहले ये पद्धति थी कि बाहर से आई वो चीज़ बहुत अच्छी होती है, पर आज पता नहीं एक जागरूकता आ गई है कि नहीं, हमारी राष्ट्रीय संस्कृति बोलो, हमारी जो पुरानी पद्धत है वो बोलो, क्यों लोग खेत ले रहे, क्यों फार्म हाउस ले रहे, क्यों शहर से बाहर जा रहे हैं। और पहले के ज़माने में कभी सोचा था कि ऑक्सीजन भी पैसों से लेना पड़ेगा? अच्छा। तो आज तो ऑक्सीजन के भी पार्लर्स खुल रहे हैं। और अभी जो हमारा एक पैंडेमिक सिचुएशन जो हुई, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी, जो पता ही नहीं है कि ये सिचुएशन आए और हम लोग हॉस्पिटल तक नहीं, हमें यानी पहुंचने में टाइम लग रहा है, तो क्या करना, क्या करना? एक बहुत अच्छा हमारा वो है नेचुरोपैथी का फॉर्मूला कि कपूर, उसे आराम से सूंघो, आपकी ऑक्सीजन की पूरी जो डेफिशिएंसी है वो ठीक होना चालू हो जाती है। तो हम लोग तो मास्क में भी लगाते हैं लौंग और कपूर, वो दोनों छोटे छोटे टुकड़े मास्क को एक पॉकेट बनाते और उसके अंदर रखते हैं। ओके। तो ये चीज़ है कि जो नेचर की है, बहुत सी चीज़ें हमारे पास होते हुए भी हम कहीं ना कहीं बाहर दौड़ लगाते हैं और हमें पता नहीं होता कि यहाँ से भी हमें ये सारी चीज़ें जो है पूरी हो सकती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी समस्याएँ हैं, डिजीज़ हैं जो नेचुरोपैथी में कवर होती हैं? अब समस्या का नाम लिया ना तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लो एक डिश में हमने गुड़ रखा, बहुत सारी मक्खियाँ बैठी उस पर। हमारी अभी की जो प्रणाली है, वो मक्खियाँ बैठने के बाद कौन सा वायरस डेवलप होगा, वो वायरस को कैसे हम ख़त्म करेंगे, उससे कौन सी दवा देंगे तो हम उसे लड़ेंगे, पर इतना दिमाग हम नहीं लगाएंगे कि या तो गुड़ को ढक दो या तो गुड़ को वहाँ से हटा दो। तो ये चीज़ें, जो चीज़ें हमें परेशान कर रही है, वो चीज़ का प्रिकॉशन लेना है, तो वो चीज़ पे ध्यान देना है। सिर दर्द दे रहा है तो कॉन्स्टिपेशन पे ध्यान देना है कि नाक के सिर पे बाम लगाते बैठो। उसका जो मूल कारण है कि जो हमारा यानी सिर दर्द का मेन रीज़न होता है हमारे पेट की समस्या। तो ये नेचुरोपैथी में जो आप पूछ रहे कि समस्या को कैसे हल करना, इतनी सरल चिकित्सा है और इतनी सरल पद्धत है कि पांचों एलिमेंट का भरपूर प्रयोग करके, नेचर के साथ डाइट फॉलो करके हमें नेचुरोपैथी फॉलो करना है और डिसीज को बाय बाय करना है। जी जी, कहीं ना कहीं अब जो है ये आपने सही कहा कि लाइफस्टाइल ही बहुत सारे से डिसऑर्डर्स को आमंत्रण दे रही है। हम कितना भी कर लें, आप कहते हैं रोज़ एक्सरसाइज कर लो आधा घंटा, लोग तो जिम जा रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन सारी चीज़ों के बाद आप जो लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं ना दिन भर में, वही जो है आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर देता है, राइट? मैम, जैसे आपने कहा कि नेचुरोपैथी नेचर से रिलेटेड है और उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, होम्योपैथी भी कहीं ना कहीं इसी तरह का एक इलाज है, लेकिन ये होम्योपैथी और नेचुरोपैथी को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो ये कैसे करें? देखो, ये एकदम उत्तर दक्षिण है। हाँ। नेचुरोपैथी में कोई दवाई ओरल मेडिसिन नहीं होती है। हाँ। सिर्फ डाइट और न्यूट्रिशन पर ध्यान देना। हाँ। और होम्योपैथी कैसा है कि उसमें उनके बहुत सारे रसायन, ये देखो हर पद्धत को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, चाहे एलोपैथ हो, चाहे नेचुरोपैथ हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, हम सभी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अपनी अपनी पद्धत का अपना अपना पूरा महत्व है। जी। पर वहाँ तक पहुँचना क्यों? यदि हमारी बॉडी में हम कोई चीज़ें उत्पन्न ना करें बीमारी आ ही नहीं सकती है। और एक अच्छा एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि जैसे हम लोग चार जन को एक घर में फॉलो कर रहे हैं,
मान लो चार बहन है या चार भाई है, जो भी है, उसमें से एक बीमार पड़ता है, तीन नहीं पड़ते हैं, एक को कुछ अलग होता है, तो जबकि उनका डाइट सेम है, उनका लाइफस्टाइल सेम है, उसका एक ही मीनिंग होता है कि उनके अंदर जो उनके कीटाणु बोलो या जो भी जर्म्स बोलो जो है, जो स्वस्थ है उनमें ताकत है कि कोई भी चीज आ जाए तो उससे वो फाइट करे। यानी इम्यूनिटी सबसे बेस्ट होना चाहिए, वो नेचुरोपैथी की पद्धति है। और इम्यूनिटी बेस्ट होने के लिए साफ सुथरा सादा सीधा भोजन, और कहीं कोई बीमारी से लड़ना है तो एक फंडा ये रहता है कि गैस पे बनाया हुआ भोजन यदि आप बंद कर दो 7 दिन के लिए, जो गैस पे चढ़े ही नहीं वैसी चीज खाओ। यानी हम लोग फिर बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, मैं तो नहीं, हमारा एक ही प्रिंसिपल है, गैस पे चढ़ाना नहीं, उसे 8 दिन फॉलो करो, तुरंत ध्यान में आ जाता है क्या होता है। एक मेरा दुबई में पेशेंट था, तो आ नहीं पा रहा था, उसे फुल सोरेसिस था, फुल बॉडी, तो वीडियो कॉल करके मेरे से बात करता था, मेरे से ये जान रहा था। मुझे 3 महीने लगे तो वो पूरा खाना, मैंने एक ही उसको बोला कि यदि इससे तेरे को अलग होना है, मुक्त होना है, तो तू है ना गैस में बना हुआ खाना पहले बंद कर। अब गैस पे बंद कर खाना यानी कच्चा खा, स्प्राउट खा, फल फूल खा, फ्रूट्स खा, ऐसी चीज़ें खा जो उस पर हुआ, नारियल पानी पी, तो ये सब चीज़ें वो पूरा थाली में सजा लेता था और मेरे को वीडियो कॉल करता था, और मेरे को बाद में बराबर वो खाना खाने का फॉलो करना ये वो सब किया, और बॉडी क्लीनिंग बहुत आवश्यकता रहती है अंदरूनी। तो 3 महीने के अंदर तो उसका पहले का फोटो और आज का फोटो भी मेरे पास है, तो पूरा ठीक हुआ सिर्फ डाइट से। मैं उसे वहाँ ट्रीटमेंट नहीं बता पा रही थी, कुछ भी नहीं कह सकती थी। हमारे इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे लंदन भेजा था, तो वहाँ पता नहीं एक बात मैंने देखी कि ऐसा पता चला कि एक कोई हर्बल लेडी आई है, यानी नेचुरोपैथी उनको शायद ध्यान में नहीं आ रहा था, हर्बल लेडी आई है, तो इतनी लाइन लग गई थी कि मुझे खाली उनको डिस्कस ही करना था, मुझे कोई चीज़ें देना नहीं था, पर बहुत बहुत मैं मन से सेटिस्फाइड हुई कि पीपल वर फॉलोइंग हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ों से। और पूरी चीज़ें वहाँ आने के बाद मेरे को समझा कि वो लोग वैल्यू बहुत करते हैं नेचर की, हर्बल की, नेचुरोपैथी की, यहाँ हो रही है पर थोड़ा कम है, वी आर लैकिंग समवेयर और दी अदर, कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग ना, मैम मैंने ये नोटिस किया है, मैं इतने डॉक्टर्स को इंटरव्यू करती हूँ, तो हमेशा मैंने एक चीज़ नोटिस ये की है कि हम बातें, अवेयरनेस बहुत है, हर चीज़ की अवेयरनेस है, बट जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है ना तो हम इतने कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले तो एक दिक्कत है कि जो लोग हैं वो लेट अप्रोच करते हैं, वो अपने ही आप में अपने आप को ठीक करना कि हाँ ये ले लेंगे वो ले लेंगे, खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। इसके बाद ये होता है कि चीज़ें जो बढ़ जाती हैं वो लेट डॉक्टर को अप्रोच करते हैं, उसके बाद भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किसे दिखाना है, स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाना है, नॉर्मल फिजिशियन को दिखा रहे हैं, क्या करें। ये सारे चक्कर में ना इतनी चीज़ें इतनी ज़्यादा मिस्ड आउट हो जाती हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भी दिक्कत और जो सफर कर रहा है उन्हें भी दिक्कत। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई।
क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। कौन सी ऐसी कॉमन, क्योंकि आप इतने टाइम से, इतने लंबे समय से सेवा दे रही हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं अभी अगर देखें जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं? मेरे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट तो ओबेसिटी के आते हैं सबसे बड़ी दिक्कत। और सेकंड आते हैं कमर दर्द, पेट दर्द, ये बहुत कॉमन अच्छा। है अब यानी आपको ओबेसिटी बोला यानी आप समझ लो कि मोटापा जी, इतनी लाइफस्टाइल बिगाड़ दी कि वो आना ही है। और कमर दर्द और ये घुटना दर्द ना, बोन के पेन, ये वो तो कैल्शियम डेफिशिएंसी, बस ये दो चीज 100 में से 80 लोग ऐसे रहते हैं। बाकी सब अलग अलग रहते हैं। और कई बार क्या होता है, थोड़ा सा उनका पॉजिटिव एटीट्यूड बनाना पड़ता है, उनकी सोच पॉजिटिव बनानी पड़ती है। और एक बात बोलूँ तो बहुत आपको आश्चर्य भी लगेगा, कई बार हम सोचते हैं ये चीज़ें ठीक हो रही है, ये चीज़ें मुझे नहीं है, तो करीब 60-70% ऐसे ही ठीक होती है। तो एक जो पॉजिटिव अप्रोच है ना, यदि उसके दिमाग में रहता है ना तो होता है, नहीं तो हम लोग जो रोग को भी तीन भाषा में डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल रोग होता है, एक मानसिक रोग होता है और एक स्पिरिचुअल रोग होता है। ये भी तो है, ये तो बिल्कुल। मानसिक रोग आप जेलस रखोगे किसी के लिए और आपका दिल कहीं भी निगेटिव है तो ऑटोमेटिकली माइग्रेन को वेलकम करते हो। वेरी ट्रू। स्पिरिचुअल डिसीज यानी बहुत अटपटा सा वर्ड्स आपको लग रहा है, पर कई बार हम लोग धार्मिक होने के बावजूद, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने के बावजूद भी हमारे में वो चीज़ पॉजिटिव नहीं रहती है जी, जी। और जब पॉजिटिव ख्याल रहे वहाँ बहुत सारी चीज़ों से लड़ा जाता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। और फिजिकल, मानसिक और स्पिरिचुअली तीनों को बैलेंस करके चले ना तो हम लोग लड़ सकते हैं जी। और वैसे ठीक है, तो बहुत बड़ा दिक्कत है क्योंकि लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गई है, करियर ओरिएंटेड इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हर कोई दौड़ना चाहता है, हर कोई बहुत जल्दी पहुंचना चाहता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। बट आई थिंक कि अगर गोल्स को अचीव करने के लिए इतना दौड़ेंगे तो जो सक्सेस मिलेगी वो इतनी सैटिस्फाइंग सक्सेस नहीं होगी, वो लॉन्ग टर्म नहीं होगी। मुझे लगता है कि अगर धीरे धीरे अगर कोई चीज़ मिलती ना, आप देखिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। मैं दर्शकों को ज़रूर कहूँगी कि अगर कोई चीज़ आपको बहुत जल्दी मिल रही है और कोई चीज़ में आपको बहुत टाइम लग रहा है तो उन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कीजिएगा कि वो कितना सैटिस्फैक्ट्री लेवल आपको मिलता है। धीरे धीरे मिलेगा तो बहुत अच्छा, बहुत सुकूनदायक होगा। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, वो सच में कहावत बनी है, तो वो सच्ची कहावत बनी है कि सब्र का फल ज़रूर मीठा होता है। मैम, नेचुरोपैथी में जब ऐसी चीज़ों को लेकर पेशेंट्स आते हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, किस तरह की हिस्ट्री जानी जाती है या क्या प्रोसीजर होता है? इसमें तीन या चार ट्रीटमेंट कॉमन है। पहले अंदरूनी क्लिनिक यानी एनीमा। ओके। 100 रोग में से 90 रोग सिर्फ पेट से होते हैं। राइट। यानी यदि आपका यानी क्लिनिंग प्रोसीजर रहा पेट का तो उससे जीत जाते हैं। सेकेंड रहता है यानी देखो, जितने हमारे इम्प्यूरिटीज़ को बाहर निकालना, दैट इज़ ए नेचुरोपैथी। चाहे इम्प्यूरिटीज़ बाल से हो, आँख से हो, नाक से हो, श्वास से हो, गले से हो, या फिर यूरिन से हो, या स्टूल से हो, ये इम्प्यूरिटीज़ को ख़त्म किए तो वो हमारा ट्रीटमेंट होता है नेचुरोपैथी। तो सबसे पहले हम लोग स्टीम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, फुल बॉडी स्टीम। सेकेंड ध्यान देते हैं एनिमा। थर्ड ध्यान देते हैं मड पैक। फोर्थ ध्यान देते हैं फुल बॉडी मड पैक, पेट की मिट्टी पट्टी, पैर की मिट्टी पट्टी, सिर की मिट्टी पट्टी, आँखों की मिट्टी पट्टी, ये सब चीज़ों पे
ध्यान देकर काफ़ी कुछ हम लोग रोग मुक्त हो सकते हैं। और एक तरीका आपने पूछा तो ये बेसिक तरीका है, और उसके साथ में एडिशन में खाना क्या खाना, जो आपने ट्रीटमेंट पूछा ये बेसिक ट्रीटमेंट है। चाहे मड़ से लो, चाहे सूर्य की धूप से लो, चाहे पानी के माध्यम से स्टीम बाथ, स्पाइनल बाथ। अच्छा, कई बार तो समुद्री स्नान को भी बहुत अच्छा बोला गया है। अच्छा। नदी में जंप मारना और वहाँ के कीचड़ को पूरे शरीर पे लगा लेना और उसके बाद उस नदी में जाके नहा लेना, ये भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट। कई बार आपने सुना होगा कि हम मथुरा जाते हैं, हम बड़े उसमें कुंड रहते हैं और वहाँ जाने के बाद बोलते हैं हमारा स्किन डिसीज अच्छा हो गया। एक्चुअली क्या होता है, कुंड में या फिर जो गंगा आती है वो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स लेके आती है। ये जो मिनरल्स कहीं ना कहीं यहाँ समावेश होता है और हमारे स्किन में, हमारी तबीयत में वो फर्क करता है। अब कीचड़ से स्नान करना, तो कीचड़ यानी हम लोग जो यहाँ कीचड़ बोलते वो नहीं, जो नदी के पास का कीचड़ बहुत प्योर रहता है, बार 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 पानी से धुला हुआ रहता है, वो कीचड़ को पूरा लगा लो तो स्किन डिसीज से आराम मिलता है और मेन पोर्स ओपन हो जाते, पसीना आना चालू हो जाता तो आपकी इम्प्यूरिटीज निकल जाती है। तो कई चीज़ें ऐसे ही ना करके, ऐसे करके करते हैं तो उसमें फायदा होता ही है। खाली नेचर को पहचानो, नेचर के साथ चलो। जी, यहाँ पर कई पेशेंट जैसे बहुत लोग होम्योपैथी को जैसे अपनाते हैं, उसमें भी बहुत लोग ये होते हैं कि होम्योपैथी तो बहुत लंबा समय लेती है, इसीलिए आज के लोग जल्दी ठीक होना चाहते हैं। ये नेचुरोपैथी में कितना टाइम रिकवर के लिए लगता है? देखो, नेचुरोपैथी में लोग अभी अभी तब आते हैं जब डॉक्टर उन्हें हाथ ऊपर कर देते हैं। अच्छा। हाँ, तो एक बात समझ लो, यदि कोई कैंसर पेशेंट आया तो नहीं होता है जल्दी ठीक, वो तो है। हाँ, पर यदि स्टार्टिंग से आपने अपनी बॉडी को उस हिसाब से डेवलप करके रखा है, उस हिसाब से सब आदतें रखा है तो होता है। फिर भी हम लोग कोशिश जरूर करते हैं, पर टाइम डिपेंड्स कि आप कौन सी स्टेज पे है, कौन से डिसीज को कर रहे हैं। यानी ऐसा नेचुरोपैथी एक ऐसा उपाय नहीं है रामबाण कि आपने बाण छोड़ा और ठीक हो गया। इसे फॉलो करके उस हिसाब से बॉडी को ढलना पड़ता है, तब कहीं हम लोग ठीक होते हैं। वेरी ट्रू। मैम, क्या रिकरेंस के चांसेस होते हैं ट्रीटमेंट के बाद फिर से होना? आज आपने रोटी खाई थी? नहीं, अभी खाने की। फिर कल खाओगे क्या? यानी कल भी भूख लगेगी। आज आपको भूख लगी, कल भी लगेगी। उसका मीनिंग क्या है? आपकी बॉडी की डिमांड है। तो ऑकरेंस आपने एक बार ठीक किया, आपने पूरी गंदगी अपन बेसिन में से कचरा हटा दिया, नॉट नेसेसरी कि दूसरी बार वो चौकअप ना हो। वेरी ट्रू। तो वो चौकअप फिर से ना हो उसका ध्यान रखो, पर चौकअप तो फिर से होना है। यदि आप इम्प्योरिटीज डालते जाओगे तो फिर से ऑकरेंस होता ही है। पर भरोसा बैठा कि ये चीज करने से मुझे ये ठीक होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और 8 दिन में, 2 दिन में नहीं बोलती हूँ कि आजकल की लाइफस्टाइल में मैं मेरी बहू को बोलूँ ए तू ऐसा मत खाना, ऐसा मत खा, तो तुम मेरा मानेगी नहीं, बच्चे मानते नहीं है। मैं इतना बोलती हूँ, ज़्यादा नहीं, 8 दिन में 2 दिन तो फल फ्रूट पे रहो, ज़्यादा नहीं, 2 दिन कम से कम की बहुत ज़रूरत है बॉडी को। इसीलिए तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इतने व्रत किया करते थे। व्रत के पीछे का साइंटिफिक रीज़न तो वही है, ठीक है, उनका स्पिरिचुअल जो विश्वास है वो तो बहुत ज़रूरी भी है, उनके बीच में नहीं बोलेंगे, लेकिन साइंटिफिक रीज़न ये है नहीं, कि अपने पूरे व्रत त्यौहार है ना, वो पूरे अपनी हेल्थ पे डिपेंड है। अच्छा। नवरात्रि के 9 दिन क्यों खाली फल फ्रूट पे रहते हैं? कहीं ना कहीं एक बार बॉडी का पूरा क्लीनिंग हो जाता है। तो कहीं भी कोई भी हमारी संस्कृति में जो बताया गया है जी, वो अब कहीं खीर ही खाने का बोला गया है कई व्रत में, तो उसको बोलते हैं अपन मोनो डाइट। अच्छा। कोई कई बार हम लोग कई सारे व्रत में सिर्फ मूंग खाते हैं तो उसे बोलेगी एक ही चीज पे ध्यान देना। अब उसके पीछे का भी गणित बड़ा सुंदर सा है। जी। हम लोग ने एक डाइट खाया तो हमारा जो स्टमक है उसकी जो प्रक्रिया है उसे पचाने में पड़ेगी, पर ऊपर से तुमने फिर से खटाई डाली ना, फिर से कुछ और कुछ डाला, तो वो वहाँ आधा छोड़ देगा और वहाँ फिर से काम चालू करेगा। जी। हम लोग बोलते हैं हम 56 भोग खाएंगे तो हम बहुत रईस है, हम श्रीमंत है, पर वो भोग पेट में जाने के बाद में उसे यानी ये गया
फिर से वो बेचारा पेट काम करता है उसे पचाने का, वहाँ हमने दूसरी चीज डाल दी, फिर से वो काम पे लग जाता। तो संस्कृति में जो त्योहार है वो मोनो डाइट पे जाता है, फल फ्रूट पे जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करते हैं कि तबीयत को संभालो। जी, डाइट का आपने बहुत अच्छा जो चीज़ कहा कि डाइट में भी बहुत तरीके के डाइट हैं जो लोग करते हैं मैम, अलग अलग। कोई कहता है कि इंटरमिटिंग फास्टिंग करनी चाहिए, कोई कहता है कि सिर्फ फ्रूट्स जैसे आपने कहा खाने चाहिए, सैलड खाना चाहिए। कई लोग बहुत अलग अलग तरीके के डाइट्स बताते हैं, कोई कहता है कि सिर्फ इतनी चीज़ें खानी चाहिए, कोई कहता है तोल के खानी चाहिए। ये जो प्रोसीजर, इतना सारा जो कन्फ्यूजन है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, खाना तो हमारा पेट जितना मांगता है, जितनी आवश्यकता है ना, देखो हमें जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम, पर उसका मतलब डाइट फॉलो करना नहीं है। सब आपकी कैपेसिटी अलग है, खाने की मेरी अलग है, पर जितना हमारा पेट मांग रहा है उससे थोड़ा सा कम ओवर नहीं करना है। और सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए एक नेचुरोपैथी चार्ट बड़ा सिंपल सा रहता है डाइट का। Okay. उठते बराबर गर्म पानी में थोड़ा सा गुड़ डालो और आधा नींबू डालो और पी लो। Okay. आपकी पूरी पाचन क्रिया एकदम साफ हो जाएगी, पेट साफ हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, 100 में से 90 डिशेस आप अपने आप ठीक होते। चाय की जगह पे यदि आपने गुड़ वाली या ऐसी कोई पी लिया, चलो आपको चाय होना है तो थोड़ी कम डालो, दूध वाली मत पियो, ये एक बहुत फ़ायदा करता है। फिर नाश्ते में हम लोग कई बार सोचते हैं कि क्या करना क्या खाना, तो हम लोग ज़्यादा स्प्राउट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि नाश्ता करना है तो 6-7 जो भी आपको पसंद है स्वाद में स्प्राउट्स उगा लो, उसमें भरपूर किशमिश डालो, भरपूर बादाम डालो और अच्छे से बड़े चाव से खाओ। और डाइट बोलते हैं तो थोड़ा सा गेहूं की जगह पे यदि जवारे की रोटी पसंद करें तो ग्लूटीन इसमें गेहूं में बहुत ज़्यादा होता है, तो जवारे की रोटी गरम गरम खाना, तुअर की दाल जरूर खाना पर एकदम बढ़िया, वो जो वरण बोलते हैं महाराष्ट्रियन में, सादी सीधी दाल, और मक्खन खाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पेट को इतना आप पावरफुल बना लो आपके सिस्टम को कि आप जो खाते हैं उसे पचा ले। अच्छा, तो ये चीज़ें जैसे रहती है। और हम लोग चावल की जगह पर दलिया सजेस्ट करते हैं, ओके, और सूप सजेस्ट करते हैं। okay. तो कहीं भी भूखे नहीं रहते, बड़े चाव से अच्छी चीजें बनाओ, बस उसको चेंज। और सबसे हम लोग चटनी कितनी खाते हैं, इतनी सी हम कटोरी भर के बोलते हैं। अच्छा। तो चटनी में भी आप कोई भी नेचुरोपैथी सेंटर में चले जाओ, चाहे बेंगलोर जाओ, चाहे यहाँ पुणे के पास जाओ, तो वहाँ कटोरी भर के हरे धनिया और कोपरे की चटनी देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, हरा धनिया और कोपरा मिक्स होने के बाद वो जो चीज़ें दे सकता है ना, वो और कोई आचार देगा नहीं आपको। तो कुछ कुछ चीज़ें फॉलो, जब अपना मन समझ जाता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो वो फॉलो करता है व्यक्ति, अपने परिवार को भी कराता है। ओके, कोई अगर नेचुरोपैथी फॉलो कर रहा है, अपने आप को ट्रीट करवा रहा है नेचुरोपैथी के थ्रू, तो क्या एलोपैथी भी ली जा सकती है? देखो, यदि उसकी आवश्यकता है तो एलोपैथ लेना चाहिए। okay. उसकी बॉडी को बोला गया है और साथ साथ में आप डाइट के माध्यम से, और आप एलोपैथ ले रहे हो और सूर्य की रोशनी नहीं लेना, ऐसा कहाँ लिखा है? आप एलोपैथ ले रहे हो और स्टीम नहीं लेना, कहाँ लिखा है? पर आपको खुद को समझ में आ जाएगा और आपका डॉक्टर धीरे 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 वो दवाइयाँ कम करते जाएगा, बंद कर दे जाएगा। पर पांचों एलिमेंट का भरपूर फायदा लो तो एलोपैथ ने मना थोड़ी किया है कि भई आप पानी का स्नान मत लो, स्टीम बात मत लो, मट्टी पट्टी मत लगाओ, फुल बॉडी मड पैक मत लो, सूर्य स्नान मत करो, ऐसा कहाँ लिखा है? पर ये चीज़ों का उपयोग अपनी एलोपैथ की नीड को थोड़ा कम करता है। हाँ, वो चीज़ें कम होती हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं लोगों के दिमाग में, ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि नहीं ये नहीं, कई चीज़ें खुद बनाई होती हैं। आप तो कहीं सुनती होंगी इतना कि हाँ ऐसा ऐसा, तो ऐसे कौन से मिथ हैं नेचुरोपैथी को लेकर जो लोगों के दूर करने बहुत ज़रूरी हैं? नेचुरोपैथी में सच बोलूँ तो अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे ऑल ओवर इंडिया बहुत चलते हैं, और अभी रोग मुक्त भारत अभियान चल रहा है हमारा। ओके। और जो हमारा INO करके जो हमारी संस्था है वो करीब 25 स्टेट में तो काम करती है, 3 कंट्री में अलग काम करती है, और हमारे
2 लाख मेंबर्स है, तो उसके माध्यम से रोग मुक्त भारत का अभियान चालू हो गया है और अगस्त तक चलेगा और ये हमारे आयुष मंत्रालय से संयुक्त अभियान हम संयुक्त तत्वदान में हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग ये व्याख्यान रखते हैं, पूरे डेमो बताते हैं, पूरी चीज़ें हम लोग करके बताते हैं, सिखाते हैं, और वो 4 घंटे का शिविर रहता है। तो कई डेमो रहता है, कुछ योगा रहता है, कुछ ये रहता है, और रोग मुक्त भारत करके हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया में शिविर चल रहे हैं अभी। और नेचुरोपैथी और योगा एक सिक्के के 2 पहलू है। हम लोग योगा और नेचुरोपैथी को अलग अलग मानते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों को एक ही सिक्के के 2 पहलू है। और योगा हम लोग ने बहुत सरल भाषा में मान लिया है, पर उसकी जो एक एक सीक्रेट रहती है, आप मानेंगे एक पेशेंट था पार्किंसंस का। तो हमारे एक बेंगलोर की योगा गुरु है, तो उससे कंसल्ट किया हमने कि इसको क्या करें, तो वीडियो कॉल करके उसने उससे कराया। तो आप मानेंगे वो क्या कराया, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन बहुत इजी लग रहा है, पर उसने जो प्रोसेस पहले सुलाया, सोने के बाद में एक पैर आगे था और एक पैर 2 इंच अंदर था। तो उससे ध्यान में आ गया कि बैलेंस नहीं है, तो उसने बैलेंस करने के लिए जो एक पैर को मोड़ के चेस्ट तक पूरा यानी उसका सेंटर में आना चाहिए, वो जो प्रोसीजर थी ना, ये चीज़ें लोग नहीं जानते, बस टीवी में देखा। हम योगा करते हैं, पर साइंटिफिक योगा यदि किया तो साइंटिफिकली जो करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी डिसीज हमारी कम होती है, बहुत सारी चीज़ों से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। और वो जो पार्किंसंस वाला जो हमने पेशेंट जो देखा, तो उसको हमने बाद में पूछा, तो बोले मुझे पहले ही सिटिंग में बहुत अच्छा लग रहा है, और पर प्रॉपर वे होना बस ऐसे ही हमने टीवी देख लिया और करने बैठा, ऐसा नहीं है। उसके स्पेशलिस्ट जो सजेस्ट करते हैं एक बार सीख लेना चाहिए, ज़रूरी है। आपने इतनी बेहतरीन चीज़ें बताई हैं, लास्ट में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक मैसेज, एक इतने सालों से 20 साल एक नेचुरोपैथी में, और उन्होंने जो जो चीज़ें बताई मुझे बड़ी पसंद आई, आप लोगों को बहुत पसंद आई है, आप गौर भी कीजिएगा, लेकिन आप क्या कहेंगी दर्शकों को? उनको तो फिर से हमारे गांधी जी का सिद्धांत ही बोलूँगी कि भाई रिटर्न टू नेचर, नेचर की तरफ आप वापस आइए, उसे फॉलो करिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखे, अपने आने वाली पीढ़ी को थोड़ा सा समझाए, और इस ओर ध्यान देकर अपने शरीर को रोग मुक्त रखे। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर कीर्ति अजमेरा। ये तो थी डॉक्टर कीर्ति अजमेरा, जो 20 सालों से नेचुरोपैथी में इतना बेहतरीन कार्य कर रही हैं, और नेचर, रिटर्न टू नेचर बहुत बेहतरीन स्लोगन है। हम सेरेन ब्यूटी को तो बहुत पसंद करते हैं, वहाँ घूमने जाते हैं, पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, बहुत सुकून महसूस करते हैं, लेकिन ये जो हमारा नेचर है, ये आपको भी बहुत सी चीज़ें देता है, बस आपको कोशिश ये करनी कि उसे अपनाना है। आप शुरुआत तो कीजिए, देखिएगा आपको कितना बेहतरीन फील होगा, और फिर ये जो समस्याएँ जो धीरे धीरे आपके पास घूम रही हैं, वो भी दूर चली जाएंगी। आज माई डॉक्टर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और स्पेशलिस्ट के साथ, तब तक ले दीजिएगा इजाजत, नमस्कार। बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो My Doctor, सिर्फ VKB News पर।